हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन चैनल दैट इज़ नेक्स्ट एग्जाम 8 PM कंडक्टेड बाय आकर्षक एकेडमी। मैं सुभाष कुमार आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोलिक्स के कुछ न्यूमेरिकल देखे थे पहला यूनिट से रिलेटेड, और आज हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट हमारा है दैट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यूनिट तो एक बार ब्रीफली हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है फ्री लिक्विड सरफेस। तो इसमें हम फ्री लिक्विड सरफेस अभी जस्ट आपको स्टार्ट ही करने जा रहे हैं। उसके बाद है प्रेशर क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट क्या होता है, फिर इसमें पास्कल्स लॉ और वेरिएशन ऑफ प्रेशर आपको पढ़ना है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, और उसके बाद प्रेशर डायग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, और फिर उसमें एक और यूनिट आता है डायरेज टोटल हाइड्रोलिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है उसके, वो सारे केसेस पे कुछ जैसे उसका थ्योरी पार्ट है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है। तो यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स को भी आपको डिफरेंट केस में करके दे दिया है, तो कैलकुलेट करना है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स ही बताएंगे, उसका कोई थ्योरी नहीं है। तो जो भी मतलब टॉपिक्स है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ही डायरेक्टली बनेगा, उस पर कोई अलग से थ्योरी नहीं है। तो थ्योरी बेसिकली इसमें तीन ही है, हाइड्रोलिक प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर पे। और एक होता है आपका वर्टिकल एलिमेंट के केस में, कोई वर्टिकल एलिमेंट हो, दूसरा होता है कोई हॉरिजॉन्टल एलिमेंट हो, और तीसरा होता है कोई इंक्लाइंड एलिमेंट हो। तो तीनों केस में हम लोग को फाइंड करना होता है सेंटर ऑफ प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये सारे केसेस हम लोग देखेंगे, बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो आपका सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस में दे रखा, दैट इज फ्री लिक्विड सरफेस। फ्री लिक्विड सरफेस सरफेस, ठीक है। तो फ्री लिक्विड सरफेस होता क्या है? तो फ्री लिक्विड सरफेस आप जैसे कोई भी वाटर जैसे देखते हो आप, तो वाटर के ऊपर एक सरफेस देखते हो जो कि कहीं भी मतलब हॉरिजॉन्टल ही होता है, उसमें कोई एंगल नहीं होता है। ठीक है, वाटर का सरफेस आप जब भी देखोगे तो हॉरिजॉन्टल होगा, वो 0 degree विथ हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, मतलब वही जो सरफेस होता है वो फ्री सरफेस होता है। तो फ्री सरफेस को अगर हम बाय डेफिनेशन लिखना चाहें, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं और फ्री लिक्विड सरफेस सरफेस फ्री लिक्विड सरफेस इज द सरफेस इच द सरफेस ऑन विच फ्री लिक्विड सरफेस द सरफेस ऑन विच सरफेस ऑन which there will no shear force, no parallel shear force parallel there will no parallel shear force acting, मतलब इस पर कोई पैरेलल शेयर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जैसे आप लिक्विड और गैस का देखते हो एग्जांपल में लिक्विड एंड गैस इंटरफेस या फिर वाटर एंड एयर इंटरफेस। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जैसे कोई कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे कोई वाटर लिखना है, ये वाटर भरा हुआ है इस कंटेनर में, और
इसके ऊपर क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है, तो आप हमेशा देखोगे कि ये 0 डिग्री एंगल बनाएगा, और हम फ्री सरफेस को हमेशा आप देखते होगे पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में एक ऐसा साइन होता है, ठीक है, मतलब हमेशा किसी सरफेस के ऊपर एक ऐसा साइन होता है, तो ये साइन इंडिकेट करता है कि ये फ्री लिक्विड सरफेस है, फ्री लिक्विड लिक्विड सरफेस है ये, ठीक है। और एक चीज़ और जो मैंने बोला कि शीयर फोर्स इस पे नहीं एक्ट करेगा, तो एक्चुअली शीयर फोर्स क्या होता था हमारा, कि दो फ्लूड लेयर के बीच में होता था, और सेम फ्लूड के लेयर के बीच में, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लूड चेंज हो रहा है, यहाँ लिक्विड था यहाँ गैस है, और उस केस में जैसे फ्लोइंग फ्लूड होता था, तो फ्लोइंग फ्लूड के केस में क्या होता था कि अगर कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है तो हमारा मतलब शीयर फोर्स इस तरह से एक्ट करता था, जैसे हम देखते थे वेलोसिटी प्रोफाइल जो हमने देखा था, तो यहाँ पे एक लेयर ऐसे मूव कर रहा था, दूसरा इसके ऊपर मूव कर रहा था, तो क्या होता है कि ये लेयर जो ऊपर मूव करता है, दूसरा वाला लेयर इसको इसके अपोजिट में एक फोर्स डेवलप करता है, दैट इज शीयर फोर्स। तो यहाँ एक तो कि फ्लूड रेस्ट में है, और दूसरा क्या है कि ऊपर इसके कोई लेयर नहीं है, तो किसको अपोज करेगा, तो यहाँ पे इसीलिए इस पॉइंट पे शीयर फोर्स जीरो होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है, एक और होता है द फ्री सरफेस, एक पॉइंट है इस पे मैं लिखता हूँ, इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से लिख सकते हैं, द सरफेस इज द, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो थोड़ा डेफिनेशन में थोड़ा सा इसको अल्टरनेट करता हूँ, ये आपको फ्री लिक्विड सरफेस का डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो लिक्विड सरफेस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड 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 दैट लिक्विड दैट इज सब्जेक्टेड टू दैट इज सब्जेक्टेड टू जीरो पैरेलल फोर्स जीरो पैरेलल शीयर फोर्स पैरेलल शीयर फोर्स शीयर फोर्स जीरो पैरेलल सॉरी शीयर स्ट्रेस शीयर स्ट्रेस शीयर स्ट्रेस शीयर स्ट्रेस सच एज इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। तो ये इसका परफेक्ट डेफिनेशन हो गया, ओके। और इसके बारे में एक पॉइंट लिख सकते हो कि जब भी फ्री सरफेस पे कोई फोर्स लगता है, जब भी कोई फोर्स लगेगा तो वो परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा, तो द फ्री सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर perpendicular to the forces acting on it। ये हमेशा जो फोर्स होगा वो ऑन इट या ऑन लिक्विड भी लिख सकते हैं। दूसरा एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर विल नॉट बी एनी एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स ऑन फ्री सरफेस। तो ये सारी बातें हो गई थी फ्री सरफेस के बारे में, ठीक है, फ्री लिक्विड सरफेस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा, तो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि अगर कोई कंटेनर इस तरह से, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा इस तरह का फोर्स तो इसके सरफेस पे नहीं लगेगा टेंजेंशियल, क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर में लेयर ही नहीं है, ठीक है, तो इस कारण ये इस पर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स इसके ऊपर में नहीं लगता है। तो ये था हमारा फ्री लिक्विड सरफेस।
नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड इट्स एसआई यूनिट. डेफिनेशन ऑफ प्रेशर प्रेशर एंड इट्स एसआई यूनिट. इट्स एसआई यूनिट एसआई यूनिट. ओके सो तो प्रेशर क्या होता है. ठीक है, तो प्रेशर हमेशा हम लोग देखते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. ये आप हमेशा देखोगे कि जहाँ भी प्रेशर टर्म आएगा दैट इज उसका मतलब यही होता है कि नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया. ठीक है, ऑन यूनिट एरिया कह सकते हैं. तो प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. ये प्रेशर का डेफिनेशन होता है. ठीक है, ये आप हमेशा पर यूनिट एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड. तो अगर हम देखते हैं कि ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है और इस पर कोई फोर्स एफ लग रहा है. ठीक है, ये कोई एरिया है, इस पर कोई फोर्स एफ लग रहा है, तो इस पर प्रेशर कितना होगा. तो फोर्स पर यूनिट एरिया है. तो अगर ये टोटल एरिया है और इस पर टोटल फोर्स एफ लग रहा है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब कि अगर ये एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और अगर ये एरिया घटाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा. अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, बहुत आप सबने मतलब वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपको पता नहीं होगा, उस समय पता नहीं चला होगा कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बट आप सबने किया है, आई एम श्योर कि आप सबने किया है. ठीक है, तो आपने कभी दीवार में कोई कील ठोकी है, डेफिनेटली ठोका होगा दीवार में कील. क्या करते हैं हम कि एक हथौड़ा लेते हैं और कील को ऐसे मारते हैं, कुछ फोर्स मतलब इम्पल्सिव फोर्स लगाते हैं और जिसके कारण वो कील अंदर चला जाता है. बट आप ये चीज़ देखे हो कि जो कील जो होता है वो ऐसे होता है. ठीक है, और वो दीवार पर एक फोर्स लगा रहा है, तो दीवार पर वो कितना फोर्स लगा रहा है, तो पॉइंट एरिया पर वो फोर्स लगा रहा है. तो हम जितना फोर्स दे रहे हैं वो क्या हो रहा है कि एरिया पॉइंट एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है. मतलब कि एरिया हमारे यहाँ पे काफ़ी कम हो जा रही है, तो हमारे प्रेशर का वैल्यू क्या हो रहा है कि काफ़ी बढ़ जा रहा है. मान लेते हैं कि हम 100 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं उसको और उसकी एरिया 0.1 है. ठीक है, तो हमारा प्रेशर कितना हो गया, 1000 न्यूटन पर एमएम पर मीटर स्क्वायर हो गया. 0.1 एमएम है तो 1000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर लग गया. ठीक है, मतलब कि एरिया को हम जितना रिड्यूस करते हैं उतना ज़्यादा हमारा प्रेशर बढ़ते जाएगा. इसी केस के कारण अगर हम एक डायरेक्टली ऐसे इस शेप का कोई अगर रॉड ले और डायरेक्टली ऐसे आप हथौड़ा मार के कोशिश करो कि दीवार में अंदर कर दे, तो वो शायद नहीं जाएगा आपसे, या फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, कील का एरिया बहुत कम होता है. ठीक है, एरिया बढ़ाएंगे तो आपका प्रेशर का वैल्यू घटेगा. डेफिनेटली आपको प्रेशर जितना चाहिए दीवार के अंदर जाने के लिए तो आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना होगा. लेकिन अगर हम ये एरिया घटा देते हैं, क्योंकि प्रेशर क्या है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर की वैल्यू घटेगी, एरिया घटेगा तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी. कील के केस में वही होता है, उसका देखोगे आप जो कांटेक्ट एरिया होता है वो बहुत कम होता है, वो पॉइंट में होता है, एक पॉइंट की तरह. कील देखोगे या फिर पिन देखोगे, तो ये सारी चीज़ें मतलब ये प्रैक्टिकल आप सबने अब आपको समझ में आ गया होगी. हम सबने ये एक्सपेरिमेंट किया, डेफिनेटली किया होगा, याद करो. ठीक है, तो इसके पीछे भी एक साइंस था. अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट पे. यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया एरिया. तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, अगर यूनिट की बात करें, यूनिट तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. आप कहोगे न्यूटन,
फिर एरिया का यूनिट, तो आप बोलोगे सर ये तो मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर तो कितना आसान है ना याद रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊपर फोर्स था तो हमने न्यूटन लिख दिया, नीचे एरिया था तो उसका मीटर स्क्वायर, तो दैट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, बहुत आसान है याद रखना, न्यू एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और एक चीज़ आप लोग याद रखोगे कि हमेशा इस न्यूटन प्रेशर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। ठीक है, मतलब वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू वन पास्कल। ठीक है, तो कहीं भी कन्वर्शन अब पास्कल लिख देगा तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे, पास्कल मतलब क्या होता है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कहीं कहीं पे प्रेशर को क्या होता है कि बार में भी डिनोट करते हैं। ठीक है, बार, तो वन बार इज इक्वल टू होता है, वन बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। ठीक है, मतलब 100 किलो पास्कल का मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू 100 करेंगे इनटू किलो का मतलब 10^3 होता है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो पास्कल लिख सकते हैं, ये 3 है और ये 100 मतलब 10^2 है, तो 2 और 3 कितना हुआ, टोटल हुआ 10^5 पास्कल, या फिर 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है बार का मतलब, तो बहुत जगह आप बार देखोगे। अब एक और होता है, ये तो एसआई यूनिट की बात कर रहे थे, हम एमकेएस की अगर बात करें, एमकेएस यूनिट। ठीक है, तो प्रेशर को हम लोग हमेशा यहाँ पे केजीएफ पर मीटर स्क्वायर या फिर केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे वन की केजीएफ का मतलब वन केजी किलोग्राम ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, तो केजीएफ वन केजीएफ इजकल टू 9.81 न्यूटन होता है, 9.81 न्यूटन। ये आप कन्वर्शन हमेशा याद रखोगे, कहीं कहीं दे देता है कि आपको यूनिट पूछ देगा कि आपका आंसर केजीएफ में क्या होगा, तो आप इस कन्वर्शन से अगर न्यूटन को केजीएफ में कन्वर्ट करना है तो 9.81 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो केजीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो केजीएफ को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आप 9.81 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर न्यूटन को केजीएफ में ये करना है तो आप क्या करोगे, 9.81 से डिवाइड करा दोगे। ठीक है, तो ये इससे आप निकाल सकते हो इस कन्वर्शन से। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है वन जीरो वन थ्री टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 101325 पास्कल, या फिर 1.01325 बार। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो कहीं कहीं वन बार डायरेक्टली देता है तो वो मतलब कि इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आप हमेशा याद रखोगे, ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको जब मैं गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सब और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं फिर से बताऊंगा। तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड इट्स यूनिट खत्म होता है, ऐसा यूनिट ही पढ़ना था, एमकेएस भी मैंने अलग से बता दिया। एक्चुअली ये जो एमकेएस यूनिट है पहले एमकेएस यूनिट ही यूज होता था। ठीक है, बाद में इसको इंटरनेशनली सारे कंट्रीज ने मिलके और फिर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो एमकेएस यूनिट बहुत जगह पे सिमिलर होता है ऐसा यूनिट के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट।
अभी जो प्रेशर हम देख रहे थे वो एक एरिया पे था, अब जो हम प्रेशर देखेंगे वो एक पॉइंट पे है। तो मानते हैं कि एक छोटा सा स्मॉल एरिया है डी ए, ठीक है, ये एरिया है डी ए, ये बहुत छोटा है। मान लेते हैं किसी वाटर के अंदर, सॉरी ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब, हाइड्रो मतलब ऑलरेडी वाटर होता है, ठीक है। बहुत लोग क्वेश्चन पूछे थे सर हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड में आंसर और डिफरेंस क्या होता है, तो मैं बता दूं कि हाइड्रोलिक और फ्लूइड, फ्लूइड में आपको लिक्विड और गैस दोनों मिला के होता है हाइड्रोलिक्स। मीन्स आपका जो स्टडी है वो स्पेशली फोकस्ड होता है वाटर पे, ठीक है। फ्लूइड मीन्स किसी भी फ्लूइड पे आपका स्टडी फोकस होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स में आपका स्टडी जो फोकस होता है वो प्योरली वाटर पे होता है, ठीक है। तो दैट इज़ हाइड्रोलिक्स। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रा वर्ड जहाँ भी आ गया वो समझो कि वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाटर है, यहाँ पे कोई फोर्स, इसमें जो भी फोर्स लगेगा, ठीक है, स्मॉल एरिया है तो मानते हैं कि यहाँ फोर्स भी जो लग रहा है वो डी एफ लग रहा है, वो चारों तरफ से सेम ही लगेगा, ठीक है, वो चारों तरफ से सेम ही लगेगा डी एफ। तो क्योंकि ये पानी के अंदर है, चारों तरफ से इस एरिया पे फोर्स सेम लगेगा। तो यहाँ पे प्रेशर इजकल टू क्या होगा, प्रेशर इजकल टू तो फोर्स मतलब स्मॉल फोर्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट, मतलब ये एरिया इतना छोटा एलिमेंटल एरिया है। एलिमेंटल का मतलब आप लोग समझते हो कि जिसको कि मतलब एकदम सूक्ष्म लेवल पे लिया जाए, एकदम माइक्रोस्कोप लेवल पे लिया जाए, दैट इज़ एलिमेंटल। बहुत छोटा सा एलिमेंट वो कंसिडर करते हैं, दैट इज़ वेरी नियर टू जीरो, ठीक है। जहाँ भी एलिमेंट की बात करते हैं तो वो जीरो के सबसे नियरेस्ट पॉइंट को माना जाता है। तो एक्चुअल में वो वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, जैसे इन्फिनिटी को फाइंड करना पॉसिबल नहीं, वही वैसे ही जीरो का सबसे नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे सर हम 0.00000 करते करते और 100 के बाद 1 लिखे तो कोई उससे भी छोटा 200 के बाद 1 लिखेगा तो वो छोटा हो गया। तो इसलिए जीरो के सबसे नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करना पॉसिबल नहीं। तो इसी तरह मतलब एलिमेंटल का मतलब वही होता है, बहुत छोटा एरिया, ठीक है। तो ये जो होता है वो, इसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। मतलब स्मॉल फोर्स लिया, एलिमेंटल फोर्स लिया और एलिमेंटल एरिया लिया और उस पर उसके बाद जो प्रेशर आया हमारा वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट होगा, ठीक है। और ये प्रेशर के बारे में एक और बात है कि प्रेशर जो होता है ऑलवेज क्या होगा, कंप्रेसिव इन नेचर होगा। प्रेशर जब भी लगेगा वो नेचर कंप्रेसिव में होगा, ठीक है। तो जब भी कोई प्रेशर अगर मान लेते हैं इस पर लगता है तो वो हमेशा इसको कंप्रेस करने का कोशिश करेगा, स्क्वीज करने का कोशिश करेगा। और ये जो फोर्स लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा, वही मतलब प्रेशर होगा, ठीक है। इस एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वही प्रेशर होगा। नेक्स्ट आते हैं आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट फ्लूइड प्रेशर, इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर of pressure in a fluid at rest, fluid at rest is equal or same in
ऑल डायरेक्शंस, डायरेक्शंस मतलब क्या होगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा वो क्या होगा कि ये सारे डायरेक्शन में इक्वल होगा। मतलब अगर आप जैसे एक हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, अगर उसका एग्जांपल हम ले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्मॉल फोर्स एफ लगाते हैं, तो यहाँ जो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, जो प्रेशर यहाँ पे होगा पी, वही प्रेशर पी यहाँ भी लगेगा, वही प्रेशर पी यहाँ भी लगेगा, यही प्रेशर पी यहाँ भी लगेगा और यही प्रेशर पी सारे जगह जो प्रेशर होगा, सॉरी सारे वॉल पे जो प्रेशर लगेगा इसके कारण, वो सारे जगह वही पी ही प्रेशर लगेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हर जगह प्रेशर सेम ही होगा। ये कहता है हमारा पास्कल्स लॉ। ये एक इम्पॉर्टेंट अप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और तब बताएंगे कि पास्कल्स लॉ का इम्पोर्टेंस क्या था। अब अगर पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन देखें हम लोग, ठीक है, तो पास्कल्स लॉ सबसे पहले ये जो इसमें प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है फ्लूइड एट रेस्ट, ये चीज़ आपको मतलब इस पूरे टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने ये टर्म छोड़ दिया इसका स्टेटमेंट लिखने में, तो समझो कि आपका एक ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब भी जो फ्लूइड होगा वो रेस्ट में होगा तभी जाके ये पास्कल्स लॉ काम करेगा, अगर फ्लूइड मोशन में हुआ तो नहीं काम करेगा, ठीक है। अगर ये फ्लूइड मोशन में हुआ, मतलब अगर फ्लोइंग फ्लूइड हुआ, तो उस केस में पास्कल्स लॉ एक ही कंडीशन पे काम करता है, जबकि आपका फ्लूइड जो होता है वो आइडियल फ्लूइड होगा, ठीक है। आइडियल फ्लूइड का मतलब कि उसमें विस्कोसिटी नहीं होगी, कोई शियर फोर्स नहीं डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टैटिक फ्लूइड में हम क्या बताते थे कि स्टैटिक फ्लूइड के केस में कोई शियर फोर्स डेवलप नहीं होता है, जब भी शियर फोर्स डेवलप होता है तो फ्लूइड फ्लो के केस में होता है, क्योंकि जब तक फ्लूइड कोई फ्लो नहीं करेगा तब तक एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर कोई रेजिस्टेंस लगाएगा नहीं, और जब कोई रेजिस्टेंस लगाएगा नहीं तो फिर उसमें शियर स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम म्यू इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो फ्लूइड आइडियल होता है, आइडियल फ्लूइड होता है, तो टाउ का वैल्यू जो होता है हमारा म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है, तो ये जीरो आ जाता है, मतलब देयर विल बी नो शियर फोर्स इन द केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। जब आइडियल फ्लूइड के केस में कोई शियर फोर्स नहीं होगा, शियर स्ट्रेस या शियर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो उस केस में हम फ्लोइंग फ्लूइड पे ये पास्कल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्चुअली इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर इज नो फ्लूइड विच इज आइडियल, कोई ऐसा फ्लूइड नहीं है जो कि आइडियल है। सो इन प्रैक्टिकल लाइफ इफ द फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्लूइड, देन वी कांट अप्लाई द दिस लॉ, दैट इज पास्कल्स लॉ। वी विल अप्लाई द पास्कल्स लॉ ओनली व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो इसका पास्कल्स लॉ का एक डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ऑल डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक स्टैटिक फ्लूइड लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ कोई स्टैटिक फ्लूइड भरा हुआ है, ये इसका फ्री सरफेस है और यहाँ पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका एक्स डायरेक्शन है, ये इसका वाई डायरेक्शन है और ये इसका जेड डायरेक्शन है, ठीक है, जेड डायरेक्शन। तो इसमें अगर हम देखें तो मान लेते हैं एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं ऐसे, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसकी एरिया यूनिट है, जिसकी एरिया मतलब वन है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर एलिमेंट है जिसमें मान लेते हैं ये जो यहां से यहां तक का पोर्शन है वो dx है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन हुआ वो dy हुआ, और ये जो पोर्शन है
ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक इसको डीएस मानते हैं। तो ये जो एरिया अगर इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो पी एक्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है, ये वाई डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है ये पी वाई लग रहा है, और ये जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो पी जेड लग रहा है। ठीक है, अब चूंकि यूनिट एरिया है तो फोर्स इजकल टू क्या होता है कि ये प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो एरिया अगर ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ डी एस है तो एरिया कितनी होगी, डी एस इंटू वन। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर डी एक्स है तो एरिया कितनी होगी, डी एक्स इंटू वन। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर डी वाई है तो एरिया कितनी होगी, डी वाई इंटू वन, क्योंकि हमने इसका थिकनेस वन माना है। ठीक है, तो अब उस केस में क्या करेंगे कि ये एंगल जो मानते हैं हम लोग, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो आप इसको अगर ऐसे करोगे तो ये एंगल भी आपका ये एंगल आएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। कैसे आएगा तो आप ज्योमेट्री से देख सकते हो। ठीक है, ये इस पे थीटा एंगल के साथ ये प्लेन है और ये प्लेन इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, ये हमेशा मतलब ये एंगल थीटा है और इसके साथ ये मतलब इस प्लेन के साथ ये प्लेन थीटा एंगल बना रहा है, और इस प्लेन के साथ ये प्लेन जो है वो पाई बाई टू है, मतलब पाई बाई टू है। तो अगर इसके पैरेलल लेते हैं तो ये जो ऐसे होगा, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, पाई बाई टू होगा, तो ये एंगल पाई बाई टू माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल जो होगा वो पाई बाई टू माइनस थीटा होगा, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे ऐसे तो ये जो एंगल होगा वो थीटा आएगा। ठीक है, ये थीटा, ये थीटा बराबर है। अगर ऐसे हम लोग देखेंगे इसको तो दो पैरेलल लाइंस है और ऐसे हैं, तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल पाई बाई टू माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब क्लियर है, तो मैं ये इस फिगर में बहुत सारे अनवांटेड चीज आ गए हैं। पी जेड और ये जो एंगल होगा वो पाई बाई टू माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अब अगर डी एस इसके साथ, ये डी एस था, डी एस इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि डी एस कॉस थीटा इजकल टू, डी एस कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा, डी वाई, और डी एस साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, साइन थीटा इजकल टू, ये एंगल थीटा है, तो इसके साथ कॉस लगा, मतलब कॉस लेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन होगा, इस प्लेन का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो वर्टिकल प्लेन होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो वर्टिकल जिसके साथ एंगल जुड़ा है वो प्लेन क्या होगा, हमेशा कॉस के साथ जुड़ा रहेगा, तो डी एस कॉस थीटा इजकल टू डी वाई, और जो जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा है वो साइन थीटा होगा, तो डी एस साइन थीटा इजकल टू डी एक्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग कि जो एक्स डायरेक्शन में जितने मतलब लग रहे थे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे थे और वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स, दोनों फोर्स को हम इक्वेट करते हैं, तो इसके इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे वर्टिकल आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, दैट इज अगर ये ऐसे देखोगे आप, ठीक है, तो ये एंगल थीटा होगा, ये भी ये एंगल थीटा होगा, तो ये पाई बाई टू माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा पीजेड इंटू पीजेड इंटू डी एस इंटू वन, ये फोर्स हुआ, वहाँ पीजेड प्रेशर था, तो फोर्स को इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स इजकल टू जीरो करता हूँ मैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ये फ्लूइड रेस्ट में है तो जो एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लगेंगे वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये पी जेड इंटू डी एस इंटू वन इंटू कॉस इंटू ये यहाँ से
ऐसे आप लोग समझो, जिसके साथ एंगल जुड़ा है वो कॉस और जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा है वो साइन। तो हम एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक्स एंगल नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनटू साइन और एंगल कितना था, पाई बाय टू माइनस थीटा, ठीक है। ये इज इक्वल टू पी एक्स इंटू, ये इस डायरेक्शन में इसका हमने कंपोनेंट लिया जो ऐसे लेंगे, ठीक है, और एक ऐसे लेंगे। तो इसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो ये साइन में हमने लिया पी जेड इंटू डी एस साइन थीटा होगा, ये साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। ये तो यहाँ पे इसके बराबर होगा, ये फोर्स जो इधर से लग रहा था। तो पी एक्स इंटू डी वाई इंटू वन होगा, डी वाई इंटू वन, ठीक है, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू वन। अब ये पी जेड इंटू डी एस साइन साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इजक्वल टू कॉस थीटा होता है, डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया पी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है, पी एक्स इंटू डी वाई। अब डी एस कॉस थीटा इजक्वल टू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है पी जेड इंटू डी वाई, ठीक है, इजक्वल टू पी एक्स इंटू डी वाई। डी वाई डी वाई कैंसिल हो गया और बच गया पी जेड इज इक्वल टू पी एक्स। मतलब क्या है कि जो फोर्स जो प्रेशर जेड डायरेक्शन में लग रहा था वो एक्स डायरेक्शन वाले प्रेशर के बराबर है। तो दो डायरेक्शन तो हमारा पता चल गया, अब ये देखना है कि तीसरा भी बराबर होगा क्या। अगर तीसरा बराबर होता है तो फिर तो हमारा स्टेटमेंट जो था कि प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एंड इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम, यही स्टेटमेंट था ना हमारा पास्कल्स लॉ का। तो हमको ये देखना है कि पी जेड इजकल टू पी एक्स तो आ गया, पी वाई इजकल टू पी एक्स आता है कि नहीं। तो लेट्स इक्वेट द वर्टिकल फोर्सेस, तो वो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वाई के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ये पी वाई इंटू डी एक्स इंटू वन होगा, तो पी वाई इंटू डी एक्स इंटू वन, ठीक है, इज इक्वल टू इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो पी जेड इंटू डी एस इंटू वन इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, पी जेड इंटू डी एस इंटू वन इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है, ये हमने कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिखा। तो इसको हम लिख सकते हैं पी वाई इंटू डी एक्स, पी वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पी जेड इंटू डी एस, और ये कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो पी वाई डी एक्स इज इक्वल टू पी जेड डी एस साइन थीटा, डी एस साइन थीटा हमने क्या निकाला हुआ है, डी एक्स डी एक्स। तो डी एक्स डी एक्स विल बी कैंसिल एंड पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। तो ये दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, पी जेड पी एक्स के बराबर है और पी जेड पी वाई के बराबर है। मतलब पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, मतलब प्रेशर कोई रेस्ट में अगर कोई फ्लूड है तो उसी फ्लूड का हमने एलिमेंटल एक स्ट्रिप आर्बिट्रेरली माना था, कि कहीं से भी माना था, इसका कोई मतलब ये नहीं माना था हमने कि कितना हाइट पे या कितना वेट पे, डायरेक्टली मैंने आर्बिट्रेरली लिया है ये एलिमेंट। तो इस एलिमेंट पे हम क्या देखते हैं कि ऑल डायरेक्शन प्रेशर सेम है, मतलब कि किसी भी फ्लूइड के जो कि रेस्ट में है उस पर क्या होगा कि सारे डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा आप अगर इसको मतलब लिखना चाहोगे तो थोड़ा बुक में आप देख लो, मतलब रेफरेंस के लिए ऐसे एक्सप्रेशन यही होगा, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे वर्ड्स में नहीं लिखवा सकता, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोस्ट पास्कल्स लॉ। उसके बाद पास्कल्स लॉ के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा वीडियो कैसा लगा, मतलब आपको कैसा लग रहा है ये सब्जेक्ट, ये आप कॉमेंट में जरूर बताइए हमें, ठीक है। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और भी ब्रांचेज के लिए हमारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।